नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं News 24/7। सुबह सवेरे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। यहां पर सभी 29 सीटों पर कब्जा जमाया है। आज दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की सभी सांसदों की मीटिंग होगी। मध्य प्रदेश के सभी 29 नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली रवानगी से पहले भाजपा के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से राजधानी में श्यामला हिल्स स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इनके मुलाकात के बाद आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा प्रशासनिक अनुभव है, जिन्होंने असंभव का संभव करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री, जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में, जब 21 शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है।